गुड मॉर्निंग गाइस। तो डे 5 एट तरसर मरसर लेक। तो सुंदर सर आल्सो। आज हम अगेन अपने कैंप जो सिकावस में है वहां से हम जा रहे हैं। आज हमारा ट्रैकिंग का स्पॉट है सुंदर सर। तो सुंदर सर लेक जो ट्रैकिंग का स्पॉट है, और अभी धीरे धीरे हम जाएंगे आगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रैक आज का, फिर सुंदर सर से अगर हो गया तो मरसर भी जा सकते हैं। और बताते हैं आगे आपको मरसर के बाद वापस बैक टू दिस कैंप, बैक टू द कैंप आना है फिर कल। तो आज हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो था आलू का झोल मतलब सब्जी और रोटी, बहुत ही मस्त बटर वाली रोटी थी, बहुत टेस्टी थी। एंड दलिया दूध दलिया अच्छा। और सुबह सुबह उसके पहले हम सबको मिलता है ब्लैक टी। सो ये था मतलब खाना तो इज लाइक 5 स्टार से भी बढ़िया, बहुत खाने की सर्विस इनकी अच्छी, खाने की सर ओवरऑल सर्विस अच्छी। अभी दिखाते हैं कि कहाँ जाना है। ये हमारा कैंप है, यहाँ से हमें इस तरफ जाना है। तो ऐसा ओवरऑल कुछ भी है, इस तरफ जाना है। अभी थोड़ा रिवर क्रॉस करना है, अरे मुझे चलना नहीं तो ऐसे कुछ रिवर क्रॉस होता है। पूरा ये पत्थर दिख रहे हो, उसके नीचे से पानी मिल रहा है। तो बारिश के टाइम में काफ़ी ये फ्लो में बहता होगा, बट अभी फिलहाल तो नहीं है। तो ये पूरा पत्थर जो ये पूरा रिवर का ही एरिया है। अभी सिंस बारिश नहीं है तो ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा है, आगे जाना है। कोई घोड़े पे भी जा रहा है, ओह नाइस। कल पता है क्या संकेत, खाई में गिरते गिरते बचा, खाई में गिरते गिरते एक बड़ा सा पत्थर था जिसपे फोबिया चढ़ा, फिर संकेत भी चढ़ा उसमें। अभी यार वो घोड़े की सवारी करनी है क्या? नहीं वाह कितनी क्यूट लग रही है। तो एक टीम मेंबर घोड़े की सवारी भी कर रहा है। ओ बाय बाय सी यू देयर। तो ऐसा कुछ नजारा है ये ट्रक का। तो ये पाथवे है, पीछे शायद कैंप भी नहीं दिख रहा अभी। तो है जाना है ये आज के ट्रैक में, थोड़ा सीधा सीधा चलना है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है, फिर एंड में एकदम से चढ़ाई है जो थोड़ा थकावट वाला हो सकता है। फिलहाल तो अभी तक तो कुछ नॉर्मल ही है, नॉर्मल चढ़ाई, देखते आगे। तो ऐसे ट्रेल्स होते हैं घोड़ों के, शिप्स के, जिसके इसको फॉलो करते करते ट्रैक का रास्ता का अंदाजा आता है। तो देखते हैं आगे क्या आता है क्या नहीं आता। और ये मीता पीछे आ रही है, चलते चलते अभी तो भी 3 दिन से 4 दिन से चल रहे, तो ज़्यादा सांस में लेने में तकलीफ नहीं हो रही। पहले दिन तो काफ़ी थी, अभी बॉडी एक्लेमेटाइज हो गया कंडीशंस को, तो बेटर है। तो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे चलने का, अलग अलग ट्रेल देख रहे होंगे आप। तो कहीं से भी आओ, हमें सिर्फ इस सारे मामले में जो बेस्ट ट्रेल होती है उसका फॉलो करना होता है। वो आ जाते हैं चलते चलते अंदर। अभी ये रॉक क्रॉस करके आगे जाना है। आगे अगर देखो कि मैं जूम करूँगा तो वो टीम मेंबर चल रहे हैं, वहाँ तक जाना है। तो चलते हैं।
So somewhere in between the trek, I found the river, जहाँ पे रुक के मैं सोचा थोड़ा फोटो वीडियो निकालूँ. तो ऐसे ही है, ये रिवर है, हरियाणा है. बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे होते थे. कितना बड़ा पत्थर है वो देखो. तो गाइज हम अभी थोड़ा रुके हैं, स्टॉप एक 5 मिनट का स्टॉप ले रहे हैं. तो अभी पानी पिए, अभी निकलेंगे. ORS वाला पानी पिए. हाँ, थोड़ा हम लोग न्यूट्रिएंट्स वाला पानी पी रहे हैं ताकि एनर्जी रहे. और अभी निकलेंगे बस. तो आगे देखते हैं क्या है, ये सब पीछे का व्यू है. आज भी हमको 5 किलोमीटर चलना है. 5 किलोमीटर है पहले, फिर 1.5 किलोमीटर दूसरा स्पॉट देखते हैं अभी. तो चलो बढ़ते हैं आगे. तो गाइस एक्चुअली कल ये होने वाला था कि एज पर प्लान कैंप साइट लोकेशन वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे आने वाला था. बट कैंप साइट में सिर्फ हमें रात में रुकना है, ऐसा कुछ अलग होता नहीं. तो हमने सोचा कि क्यों सामान पैक करे, फिर कैंप खोले, फिर अनपैक करे, फिर वापस कैंप सेटअप करे, जबकि हम वो रास्ते से वापस जाने ही वाले हैं. हम लोग वो कैंप साइट देखने ही वाले थे. तो जहाँ हम रुके थे वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे. तो जैसे हम लोग अभी 1.5 किलोमीटर पहुँच गए तो मैं आपको अपना कैंप साइट दिखाता हूँ जो नेक्स्ट होने वाला था. बट वी थॉट कि नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस एंड डिफरेंस ये कुछ कैंप साइट होता जहाँ पे हम स्टे करते. बट सिंस ये रास्ते में ही लग रहा है तो हमने तो कैंप साइट देख लिया, ऐसा कुछ अलग है नहीं. तो ये होता हमारा कैंप साइट. थोड़ा जूम कर देता हूँ. यहाँ पे हम रुकते हैं बट आगे हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, बट सिर्फ हम देख के जाएंगे. तो ये है हमारा होता कैंप साइट. तो Day 5 का ये कैंप साइट होता हमारा, ये एग्जैक्ट लोकेशन, ये कैंपिंग लोकेशन होता. अगेन एक वैली जिसमें हम रुकते हैं. ठीक है, यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे गर्मी होती है या क्या, क्योंकि स्नो है नहीं ज्यादा. बट ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं, यही है जो है. यहाँ पे रुकते हैं. Later. तो इन बिटवीन ऑफ नोवेयर
हम बस चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। सुंदर सर लेक आने का कोई नाम नाम नहीं ले रहे। तो बस ट्रैक फॉलो कर करके गाइड को फॉलो कर करते हम जा ही रहे। अभी देखते हैं कितना और आगे जाना है। यहाँ से आए थे दूर दूर तक, मतलब इतना चले हैं कि पीछे की वैली सब गायब हो जा रही है। तो ऐसे ट्रेल को फॉलो कर करके चल, देखते हैं क्या दिख रहा है, लेक दिखती है नहीं दिखती। टाइम चेक 11 बजे है, तो इट्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स हम तीन घंटों से चल रहे हैं। होपफुली अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर था तो 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे इट्स मोर देन इनफ जिस स्पीड में हम चल रहे हैं 5 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो ऐसा है दूर दूर तक। कुछ नहीं दिख रहा गाइड के अलावा और पत्थरों के अलावा और माउंटेन्स के अलावा। चलो देखते हैं, लेक दिखी तो दिखा दूंगा। तो गाइस आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। मुझे क्यों लग रहा है इसके ये जो प्लेट्यू है ऊपर चढ़ाई है उसके पीछे झील होगी, देखते हैं। क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ हो गई है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो इधर इज हाईएस्ट चांसेस की इसके पीछे झील हो, तो देखते हैं अभी। काफी सांस फूल रही है। तो आप भी सरफेस हो जाओगे और मैं भी सरफेस हो जाऊंगा, देखते हैं। ये लेक तो है बट सुंदर सर है या नहीं है पता नहीं। लेक पे तो पहुंचे, पता नहीं भटक गए क्या। जो गाइड वे काफी नया है तो ऐसा कुछ भी हुआ है। आई डोंट नो कौन सी लेक है, बाद में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये कौन सी लेक है। अच्छी क्लीन है, देखो पानी देख सकते हो काफ़ी क्लीन है। वीडियो में देख सकते हो पूरी लेक कवर हो रही है। तो स्टार्टिंग से ये लेफ्ट से स्टार्ट है और राइट में एंड है। तो यहाँ से ऐसा व्यू है। शायद कोई नई लेक ढूंढ ली, एक्सपेडिशन हो गया ये हमारा, नया जगह एक्सप्लोर करने का शायद, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं जब वो गाइड आगे जो गया वो देख के बताएगा। एक्चुअली वो
है, मतलब ट्रैवल ट्रिकर ही है, बट ये एरिया उसके लिए नया है, उत्तराखंड से आया है, तो उसके लिए वहाँ के ट्रैक्स उसको वो उससे रूबरू है, बट ये जो है ये उसके लिए भी नया है, तो वो देखने गया है क्या होता है। दानोन लेक मैं इसको नाम दूंगा, कहाँ पहुँचे पता नहीं, गाइड को फॉलो कर करके कर करके उसने यहाँ ला दिया। सुंदर सर तो है नहीं ये जगह, बट हाँ दानोन लेक। तो हिमालयस में काफ़ी अननोन लेक्स है, काफ़ी अननोन जगह है, तो जो लोग मतलब यहाँ के रेगुलर ट्रैकर्स होते हैं वो एक्सपेडिशन करते हैं, मतलब अन देखी जगह की खोज करते हैं ऐसा। गाइस हम भटक गए अभी, अभी कुछ पता नहीं, अब तो डर लगने लग गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये तो जगह नहीं है जहाँ आने वाले थे, देखते हैं, लगी पड़ी अभी। खाना खाएंगे जाएंगे अभी वापस पीछे की तरफ, होता है अभी ट्रैकिंग के लिए आ जाते आते हो तो रास्ते भटकना ये आम बात है। लेट्स सी, अगर हो गया मिल गए तो हो सकता है हम सुंदर सर देखें, मर सर तो हो ही नहीं पाएगा, सुंदर सर देख लिए तो अच्छी बात है, देखते हैं। चलो भाई खाना खाते हैं।